जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, आप अपने आप को संभाल के रखे हुए होंगे। जो अपने चैनल अपने परिवार बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर जो नए हैं, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी अगर वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करके जरूर फीडबैक दें और टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन को आप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, जब से राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। सबसे पहले तो ये थी पेपर के लेवल को देखकर, ऐसा क्या राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर आया था कि सभी स्टूडेंट घबरा गए, चकरा गए। जिन्होंने विभिन्न रणनीतियों से अपनी तैयारी की थी वो भी चकरा गए, उनका भी वो लेवल नहीं रहा जो उन्होंने सोच के तैयारी की थी। ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि कहां से आए। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा आज। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंत तक, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ समझ में यहाँ से जरूर आएगा। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस का पेपर ऐसा क्यों आया कि सारे अभ्यर्थी घबराए? दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि राजस्थान पुलिस के अंदर जितना कॉम्पिटिशन है वो राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं है। आप लोग किसी भी भर्ती को देख लीजिए, अभी आरएएस का जो पेपर हुआ है उसके अंदर 800 के लगभग कुछ वैकेंसी है, जिसके अंदर 20,000 मुख्य परीक्षा के अंदर अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। आप इसका रेशो निकालिए, उसके बाद में आप रीट की भर्ती ले लीजिए। मैं सबसे बड़ी बड़ी भर्तियों का आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ। रीट की भर्ती देख लीजिए आप, 65,000 के लगभग वैकेंसी और फॉर्म कितने फिलअप हुए, 9 से 10 लाख, और सिर्फ 4,000 साढ़े 4,000 वैकेंसी के ऊपर 18 लाख प्लस से फॉर्म फिलअप करना, आप लोग समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो कौन सी भर्ती के अंदर था और कौन सी भर्ती के अंदर है। और सभी लोग क्या करते हैं, बड़ी वैकेंसी है, अभ्यर्थी जितने भी है बड़ी वैकेंसी है उस वैकेंसी को सीरियसली लेते हैं कि रीट है मुझे तैयारी करना पड़ेगा, तैयारी करूंगा तो सिलेक्शन होगा। आरएएस है तैयारी करूंगा तो सिलेक्शन होगा। राजस्थान पुलिस, अरे कुछ नहीं, घर से उठ के जाऊंगा, पेपर दे दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो आपकी थिंकिंग है, यही थिंकिंग ने आप लोगों को पछाड़ दिया था इस एग्जाम के अंदर। आपका एग्जाम कोई भी हो, कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी एग्जाम इजी हार्ड नहीं होता। आप सभी एग्जाम के अंदर ये सोच के चलिए कि इस एग्जाम के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना, चाहे इसका लेवल कैसा भी आए चाहे कैसा भी नहीं आए, ये पेपर चाहे कितना भी हार्ड आए कितना भी इजी आए, मेरिट चाहे बहुत ऊपर जाए, मेरिट चाहे बहुत नीचे रहे, चाहे मेरिट मॉडरेट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसके अंदर सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने की भावना से अगर आप तैयारी करेंगे उस पेपर की, तो आप बिल्कुल उस पेपर के अंदर आप 100% अपना आपको सफलता दिला पाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर यही था। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर अगर 4,500 वैकेंसी है और उसके अंदर 18 लाख से प्लस अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो बोर्ड को क्या पूरे 18 लाख थोड़े ही लेना है, वहां से उसको कम तो करना है, तो कम कैसे करेंगे? 18 लाख को अगर शुरू से ही छांटना या शुरू से ही बाहर करना शुरू नहीं करेंगे तो लास्ट तक वो 4,500 को कैसे ले पाएंगे? तो दोस्तों, कभी भी जो पेपर सेंटर है, जो पेपर बनाता है, वो ये नहीं चाहता कि इसके 100% क्वेश्चन है अभ्यर्थी करे, वो यही चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन है जो उसके गलत हो। कभी भी पेपर बनाने वाला ये नहीं चाहता, कभी भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि वो उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो, वो यही चाहेगा कि इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो। तो जब पेपर बनाने वाला, जो बोर्ड लेने वाला आपका एग्जाम है, वो यही चाह रहा है कि आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा गलत हो, तो पेपर का लेवल हो, क्योंकि जब गलत नहीं होंगे क्वेश्चन तो अभ्यर्थी बाहर कैसे होंगे, और अभ्यर्थी बाहर नहीं होंगे तो लास्ट में उनको छांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा 4,500। तो दोस्तों, इसलिए पेपर का लेवल, जो वैकेंसी है, इसकी जो कंपटीशन था वो सबसे ज्यादा था, और इस ज्यादा कंपटीशन के अंदर सबको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम संख्या को बाहर करने के लिए पेपर का लेवल है वो अप करना पड़ा। और पेपर का लेवल अप करने के अंदर थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन लेंथी आ गई, आपके रीजनिंग के हो जाए, किसी के भी हो, तो आपका था सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने कभी पेपर को सीरियस लिया ही नहीं, आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये पेपर भी होता है और इस पेपर के अंदर भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अंदर भी अच्छा खासा कंपटीशन है, आपने ये कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी ये दिल दिमाग पे लिया ही नहीं। तो जब ये चीज आप दिल दिमाग पे नहीं ली और वहां पर अगर जाकर आपने पेपर ऐसा देखा, तो आपका तो हालत खराब होगा ही, आप हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि पेपर शुरू से ही आपका एक स्ट्रेटेजी बनती है उस पेपर को लेकर, एक जो माइंड सेटअप होता है कि ये पेपर है अच्छे लेवल का, इसको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ये शुरू से ही हो जाता है। और ये आपका राजस्थान पुलिस के पेपर को लेकर बिल्कुल भी दिमाग में नहीं हुआ था, और इसी के कारण से आपको पेपर लेंथी लगा था, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, क्योंकि आपने इस लेवल का पेपर सोचा ही नहीं था, और न सोचा था और न इस लेवल की आपने तैयारी की थी, न आपने इस लेवल की प्रैक्टिस की थी। क्या था, रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड थोड़े थे,
क्वेश्चन लेंथी थे, लेंथी इसलिए लगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। मैं कितनी बार आप लोगों को बोला कि आप मॉडल पेपर कीजिए, आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, आप क्विज कीजिए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, क्यों बोल रहा था? मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपकी एक्सरसाइज होती रहे, लेकिन आप लोगों ने वो चीज दिल दिमाग के अंदर नहीं ली और आपको पेपर हार्ड लगा, पेपर के क्वेश्चन लेंथी लगे। और जब क्वेश्चन लेंथी लगेंगे तो टाइम अपने आप ही पेपर का कम लगेगा, अपने आप कम हो जाएगा। और पेपर सेटर तो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो पेपर से, कंपटीशन से बाहर हो। जो हमने रणनीतियां बनाई थी, सारे बोल रहे थे कि 30 दिन की रणनीति, 20 दिन की रणनीति, 10 दिन की रणनीति, मैंने भी बोला था, लेकिन मैं शुरू से लेकर लास्ट तक चाहे कितने भी दिन की मैंने रणनीति का वीडियो बनाया होगा, लेकिन मेरा जो मोटो था, जो मैंने तैयारी करने का जो तरीका बताया था शुरू से लेकर लास्ट तक, मेरा एक ही था, उसके अंदर बदलाव नहीं था। आपने अगर गौर किया हो तो मैंने 7 दिन की स्ट्रेटेजी भी अगर बताई, अंतिम समय की स्ट्रेटेजी भी बताई, तो भी मैंने यही बोला कि आपको ये चीजें पढ़ना है और ये आपको प्रैक्टिस करना है। 30 दिन के लिए चाहे 90 दिन के लिए बताया तो भी यही बताया। और दोस्तों, जब आप 30 दिन 90 दिन की स्ट्रेटेजी से अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप पास हो जाएंगे, तो जो 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनका दिमाग खराब है? उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। 1 साल से 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी तो अपने पेपर के लिए सारे एफर्ट लगाए होंगे, वो भी तो अपनी तैयारी को अंदर दिल दिमाग से पूरी होश हवा से लगे हुए होंगे। तो आप 3 महीने की 4 महीने की 2 महीने की स्ट्रेटेजी से कैसे उत्तीर्ण हो जाएंगे? ये एक बोलने का, खाली बोलने के लहजे से एक अच्छी चीज है, लेकिन तैयारी करने वाले का ही सिलेक्शन होगा। ये आप लोग बिल्कुल कड़वे वचन है, लेकिन सत्य है। जो मेहनत करेगा, जो तैयारी करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। खाली स्ट्रेटेजी से 15 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होता। आप लोग सीरियस होइए, कोई भी एग्जाम है उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, और उस पेपर का लेवल को एक उच्च दर्जे का मानकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप 3 महीने 2 महीने से अगर सोच रहे हैं कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो जो 1 साल 2 साल से बैठा हुआ है वो क्या खाक छान रहा है? दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और शुरू से लास्ट तक मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे जो आपको हवा ही नहीं लगी, क्योंकि आपने हमेशा कहीं से भी तैयारी की है तो आपने क्वेश्चन फॉर्म में तैयारी की है। क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आपको कितना सा बता सकता है? 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन के 4 क्वेश्चन बता सकता है। 1 क्वेश्चन जो आया आपके लिए वो बता सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन क्या उस टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं? और क्या उससे जो ऑप्शन आए थे उसी ऑप्शन, वही ऑप्शन देकर उसी ऑप्शन के क्वेश्चन आएंगे? आप तैयारी करें तो बुक से करें, और बुक के अंदर आप चैप्टर को क्लियर करें। दोस्तों, आप क्वेश्चन फॉर्म में कभी भी तैयारी नहीं करें, आप डिस्क्रिप्टिव टाइप में अपनी तैयारी करें, ताकि आप वहां से अगर घुमा फिरा के भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका वो क्वेश्चन सही हो, वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। जैसे आपके लिए क्वेश्चन आया था, क्योंकि आपने हमेशा यही पढ़ा कि लाचा गुजरी ने, तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को बचाया, अगर आपके दिमाग में यही क्वेश्चन रटा हुआ, यही क्वेश्चन आपको आ रहा है, इसके बाद में अगर आपको कुछ भी पूछ लिया और ये आपके एग्जाम के अंदर आया था, किसी एक एग्जाम के अंदर आपको पूछा था कि इसको गुजर की गायों को बचाने के लिए कौन से लोक देवता ने अपने प्राणों का त्याग किया था, या अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, सभी की सिट्टी पिट्टी गुल होगी कि ये कौन सा था जो गुजरों की गायों को कौन बचाया था। जब पता चला कि लाचा तेजाजी महाराज है, तो सारे बोल रहे कि सर तेजाजी महाराज ने तो लाचा गुजरी की गायों को बचाया था। अरे तो लाचा गुजरी की गायों को बचाया था, तो क्या लाचा गुजरी गुजर जाति की नहीं थी? क्या वो गुजर जाति की नहीं थी? और गुजर जाति की थी तो लाचा गुजरी हो, चाहे कोई गुजर नाम दे दिया, तो आप क्या वहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे? ये कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्वेश्चन फॉर्म में तैयारी कर रहे हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप में अगर पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, तो वहां से अगर किसी भी प्रकार से अगर वो क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो आपका वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पैराग्राफ से बनते हैं, और उसके ऊपर हमारा साइकोलॉजी से हमें उसको काम लेना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन हम अपना माइंड तभी लगा सकते हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने टॉपिक क्लियर किया है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के लाइव सेशन के दौरान मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मैं इससे आगाह करवाऊं, ताकि आप ऐसी गलती बार बार नहीं करें, और अपने अगले एग्जाम के अंदर आप ऐसी गलती से रूबरू नहीं हो, और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। क्योंकि जो तरीका, जो पढ़ने का तरीका है, जो एक स्मार्ट स्टडी की स्ट्रेटेजी है, जो एक हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत है, वो सभी आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। आपको एग्जाम के लिए सीरियस होना पड़ेगा, आपको पूरा टॉपिक चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आपको रणनीति 3 महीने की 2 महीने की नहीं बनानी है, आपको कम से कम 1 साल की रणनीति बनाएंगे, 1 साल से आप तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और 100% होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा।
और आप अपने दिल दिमाग के अंदर आप अपनी पढ़ाई के अंदर इस चीज को उतारेंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।